बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, कैसे हैं बेटा आप सब? डायरेक्टर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। आज हमने उर्दू जमात शेषम का सबक नंबर 7, सबक का उनवान योम दिफा, इसकी हमने बेटा आज मशक करनी है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम इसकी रीडिंग, इसका तारुफ, मुश्किल अल्फाज के मानी कर चुके। आज हमने इसका बुक वर्क करना है सफा नंबर 36 और 37। बुक वर्क का सवाल नंबर 1 है बेटा, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, योमे दिफा क्यों मनाया जाता है? जवाब, हिंदुस्तान ने 1965 में पाकिस्तान पर रात के वक्त हमला कर दिया। पाक फौज ने नहायत बहादुरी से इस हमले को रोका। इस कारनामे की याद में योमे दिफा मनाया जाता है। सवाल नंबर 2, लाहौर में योमे दिफा की तकरीब कहाँ मुनाकिद होती है? जवाब, लाहौर में योमे दिफा की तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनाकिद की जाती है। सवाल नंबर 3, फजा किस चीज से गूंज रही थी? जवाब, लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फजा गूंज रही थी। सवाल नंबर 4, तकरीब का बाकायदा आगाज कैसे हुआ? जवाब, तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावते कुराने पाक से हुआ। सवाल नंबर 5, तिलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया? जवाब, तिलावत और नात के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। सवाल नंबर 6, नाजरीन ने फौजी जवानों को किस तरह दादे तहसीन दी? जवाब, नाजरीन ने तालियां बजाकर फौजी जवानों को दादे तहसीन दी। ये बेटा आप लोगों के सवाल जवाब हैं, ये आपने अपनी उर्दू की नीट नोटबुक पर राइट करनी है। सवाल नंबर 2, जुमले बनाएं। ये जुमले बेटा सिर्फ नमूने के तौर पर हैं, ठीक है? आपने कोशिश करनी है कि आप खुद से जुमले बनाएं और वो जुमले जो हैं आप अपनी कॉपी पर राइट करें। अब बेटा ये है मुहावरात। मुहावरात, मुहावरा ऐसा लफ्ज होता है जिसके हकीकी मानी और हों और मजाजी मानी और। अब देखें, पहला मुहावरा है छक्के छुड़ा देना, मतलब कि हवास उड़ा देना, हवास उड़ जाना। जुमला, पाकिस्तान ने भारत के छक्के छुड़ा दिए। जुनून सर्द पड़ना, मतलब जोश खत्म हो जाना। जंग के दौरान भारत का जुनून सर्द पड़ गया। जोक दर जोक, ग्रोह दर ग्रोह। जुमला, लोग जोक दर जोक मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। सिक्का बिठाना, रोक कायम करना। जुमला, फौजी जवानों ने अपनी ताकत का सिक्का बिठाया। मैली आंख से देखना, बुरी नजर से देखना। जुमला, अगर दुश्मन ने हमारे वतन को मैली आंख से देखा तो इसे नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। नीस्तो नाबूद करना, तबाहो बर्बाद करना। जुमला, स्प्रे ने डेंगी मच्छर को नीस्तो नाबूद कर दिया। सवाल नंबर 2 भी बेटा आपने अपनी उर्दू की नीट नोटबुक पे राइट करना है। सवाल नंबर 3, एराब लगाएं। जरी, बहादुर, अक्वामे मुतहिदा, दिफा, तकरीब, मखसूस। सवाल नंबर 4, दर्दसेर अल्फाज के मानी लिखें। अल्फाज, मानी, सरमस्ती, बेखुदी, सहरंगेज, जादू का असर पैदा करने वाला। जरी, बहादुर,
सिक्का बिठाना, रोक कायम करना, इन साल इस साल। सवाल नंबर 5 देखें। सबक यौम दिफा को पेश नजर रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। अलिफ, हर साल यौम दिफा कब मनाया जाता है? नंबर 1, 14 अगस्त को। नंबर 2, 23 मार्च को। नंबर 3, 6 सितंबर को। नंबर 4, 7 सितंबर को। इसका जवाब है नंबर 3, 6 सितंबर को। बे, 1965 की पाक भारत जंग कितने रोज जारी रही? नंबर 1, 7 रोज। नंबर 2, 17 रोज। नंबर 3, 15 रोज। नंबर 4, 27 रोज। इसका जवाब है नंबर 2, 17 रोज। जी, फौजी जवानों ने कितनी देर में तस्मे वाले जूते पहनकर राइफलें उठा ली? नंबर 1, 3 मिनट। नंबर 2, 13 मिनट। नंबर 3, 3 सेकंड। नंबर 4, 13 सेकंड। इसका जवाब है नंबर 3, 3 सेकंड। दाल, भारत ने पाकिस्तान पर कब हमला किया? नंबर 1, 1956 में। नंबर 2, 1965 में। नंबर 3, 1991 में। नंबर 4, 1959 में। इसका जवाब है नंबर 2, 1965 में। ये बेटा सवाल नंबर 5 जो है ये आपने अपनी किताब पे ही सॉल्व करना है। सवाल नंबर 6, अल्फाज के मुतजाद लिखिए। मुतजाद कहते हैं बेटा उल्टे अल्फाज को। मुत्तहिद, मुंतशिर, आगाज, अंजाम, पीछे, आगे, बाकायदा, बेकायदा, जरी, बुज़दिल। सवाल नंबर 6 पे है बेटा खुलासा यौम दिफा। इसकी आपने अच्छे से रीडिंग करनी है और नीट नोटबुक पे राइट नहीं करना, रफ रजिस्टर पे या रफ नोटबुक पे राइट करके अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। रीडिंग देखें इसकी। हर साल यौम दिफा 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन को बदहवास कर दिया। इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जोश खत्म हो गया और उसने अक़वामे मुत्तहिदा ने गिड़गिड़ा कर फौरी तौर पर जंग बंदी की दरख्वास्त पेश कर दी। यौम दिफा पाकिस्तानी फौज के साथ इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। यौम दिफा एक अहम तकरीब है जो हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है। इस साल इस तकरीब को देखने की हमारी जमात की बारी थी। तकरीब वक्त मुकर्रा पर शुरू हुई। तिलावत कुरान पाक से आगाज के बाद नादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। इसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया और फौजी मार्च करते हुए मैदान से गुजरे। मार्च करते हुए मतलब परेड करते हुए। परेड के बाद फौजी जीपें और टैंक मैदान में आए। चलती हुई जीपों से अपना मोर्चा संभालना, पैराशूट के जरिए छलांग लगाना हैरत अंगेज था। कुछ फौजी जवानों ने अपनी जिस्मानी ताकत का मुजाहिरा किया। सबसे आखिर में फौजी असले की नुमाइश थी। खुदा के फजल से हमने अपने दिफा के लिए बाबर, गौरी, फजनवी और खतब मिसाइल बना रखी हैं। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। अगर दुश्मन ने वतन की तरफ मैली आंख से देखा तो इसे तबाहो बर्बाद कर दिया जाएगा। ये बेटा इसका खुलासा है, ये आपने अच्छे से याद करना है। इसके बाद सवाल नंबर 10 है। कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतलका अल्फाज से मिलाएं।
कॉलम अलिफ योमे दिफा, योमे दिफा कॉलम बे में सेकंड लास्ट पे है 6 सितंबर, योमे दिफा 6 सितंबर। बहादुर जरी तमाशाई देखने वाले, नात सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैरत अंगेज सहर अंगेज। इसके साथ बेटा हमारा आज का जो लेक्चर था वो मुकम्मल हो गया। आज हमने सबक नंबर 7 योमे दिफा की मुकम्मल मश्क की है, ठीक है। इसमें बेटा आपने सवाल और जवाब और जुमले अपनी नीट नोटबुक पे राइट करने हैं, ठीक है। बाकी जो काम बुक पे सॉल्व करने वाला है वो आपने किताब पे ही करना है, और खुलासा जो है वो किसी रफ रजिस्टर पे लिख के या रफ नोटबुक पे लिख के उसे याद कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।